हाँ जी, तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मीडिया कंपनीज की। और जो पहले जो मीडिया की पावर थी वो एक सेंट्रलाइज्ड थी बिल्कुल, कि जो जो बड़ी बड़ी मीडिया कॉरपोरेशंस होती थी वही मीडिया डिसेमिनेट करती थी, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, सब चीज़ कंट्रोल थी, सेंट्रली कंट्रोल थी एक बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन से। पर अब जब क्रिएटर इकोनॉमी आ गई है, हर एक इंडिविजुअल के पास कैमरा हो गया है, हर एक इंडिविजुअल के पास ओपिनियन है, तो जब आप इन दो चीज़ों को मिला देते हैं कि आप कैमरे में अपना ओपिनियन रिकॉर्ड कर लें, तो आप अपने आप की एक मीडिया कंपनी के लायक बन सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि आप जो भी आपका ओपिनियन है ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों से देखी जा सकती है। ठीक है, वैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी है कि एंटरटेनमेंट पहले बड़ी बड़ी मूवीज में या प्रोग्राम्स में हुआ करता था, पर अब लोग को बस कैमरा ऑन करना है और वो खुद एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं। तो ये जो है मीडिया का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, कि पहले जो सेंट्रली कंट्रोल था अब वो सब लोग कर पा रहे हैं, जिसका भी मन कर रहा है वो कर पा रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज हुई है, क्योंकि जब सेंट्रली कंट्रोल होता है तो नैरेटिव भी कंप्लीटली कंट्रोल हो सकता है, और इसका मतलब वो नैरेटिव भी बनाया जा सकता है, झूठ हो सकता है, सच हो सकता है। पर जब ये डेमोक्रेटाइजेशन हो जाता है, सबके पास वॉइस आ जाती है, सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर आ जाती है, तो ये नैरेटिव को कम्प्लीटली फेक करना मुश्किल हो जाता है। उतना ज़्यादा इम्पॉसिबल भी नहीं है, फेक अभी भी किया जा सकता है, पर उतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि आप सबके पास पावर है, जिसका भी जो ओपिनियन है वो शेयर कर सकता है, अगर किसी को कुछ गलत लगता है तो वो बोल सकता है। तो ये मीडिया के डेमोक्रेटाइजेशन से ये फायदा होता है कि आपके पास एक डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन आती है, और अगर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में देखें तो उसमें भी डाइवर्सिटी ऑफ एंटरटेनमेंट आती है, तो वो एक अच्छी बात है। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन होना अच्छा हुआ है हमारे लिए, और ऐसे ही बाकी इंडस्ट्रीज में भी डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके और सेंट्रली कंट्रोल ना रहे।